हेलो दोस्तों, डीवाई एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही होगा डीवाई एकेडमी चैनल आप लोगों के लिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिविल तीनों ब्रांचों के ऑल सेमेस्टर की क्लासेस हैं, इस पर आपको मिलेंगी डीवाई एकेडमी चैनल पर। डीवाई एकेडमी चैनल पर हम लोगों ने आपके आपके लिए जो इलेक्ट्रिकल की कुछ स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड पर हम लोगों ने आपके लिए यूपीपीएससी 2023 के लिए एक सीरीज को स्टार्ट किया है। इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन बूस्टर सीरीज, जिसमें हम आप लोगों के लिए टेक्निकल के सारे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं? चार संयोजी इलेक्ट्रॉन से परमाणु क्या होते हैं? अगर मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने अंतिम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है वही क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं परमाणु की बात करूँ तो हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। ठीक है, और हाँ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है। अगर मैं इसकी द्रव्यमान की बात करूं, सबसे हल्का हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, सबसे भारी जो होता है हमारा न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार से कम होते हैं। इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है जो सबसे वीक बॉन्ड होता है। इसकी रेस्टिविटी की बात करूं वो 10^-8 से लेकर 10^-6 ओम मीटर होती है। अगर इसकी मैं आरटीएस की बात करूं कंडक्टर की, अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है। अल्फा का पॉजिटिव होने का मतलब है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं बेस्ट कंडक्टर की बात करूं, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, एल्युमिनियम होगा। अगर मैं फर्मी एनर्जी लेवल की बात करूं तो फर्मी एनर्जी लेवल 0 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। फर्मी एनर्जी लेवल होता क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल होता है हमारा कंडक्शन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड की बीच की बीच जो एनर्जी गैप होता है वही क्या होता है? हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसी तरह हम इंसुलेटर पर चलते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार से अधिक होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है इंसुलेटर के अंदर। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10^12 से लेकर 10^18 ओम मीटर, बहुत ज़्यादा होती है। इसका आरटीसी नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। बेस्ट इंसुलेटर जो होता है ग्लास होता है, सिरेमिक होता है, रबर होता है, माइका होता है, कागज होता है। इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एक विद्युत ऊर्जा की छोटी इकाई है। विद्युत ऊर्जा की छोटी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 के बराबर होते हैं। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10^12 से लेकर 10^2 ओम मीटर होती है। इसका जो आरटीसी होता है नेगेटिव होता है। इसके बेस्ट सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन होता है, गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंडक्टर में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में विद्युत का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आवेश है। अगर मैं आवेश की बात करूं, हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6×10^-19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है +1.6×10^-19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 कूलम, यानी कोई आवेश नहीं होता है। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो 9
0.1 × 10⁻³⁶ किलोग्राम होता है। अगर मैं प्रोटोन की द्रव्यमान की बात करूं 1.6 × 10⁻²⁷ केजी। अगर मैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की बात करूं लगभग लगभग बराबर होते हैं। अगर मैं प्रोटोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन्स की द्रव्यमान से 1835 गुना होता है। अगर मैं आवेश की बात करूं, आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। अब किसी बॉडी पर पॉजिटिव आवेश कैसे आया और नेगेटिव आवेश कैसे आया हम ये देखते हैं। तो कोई बॉडी है, अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, किसी बॉडी पर अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। सेम चार्ज जो होते हैं, सेम चार्ज रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्शन करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज से बल रेखा जो होती है वो बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव चार्ज से अंदर की ओर आती है। नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, बल रेखा अंदर की ओर आती है। हमेशा विद्युत बल रेखाएं किसी बॉडी से, या हमेशा विद्युत बल रेखा हमेशा एंटर और एग्जिट 90 डिग्री रेडियली करती हैं। ठीक है, अगर हमारा चार्ज, अगर मैं कंडीशन ऑफ चार्ज की बात करूं, अगर हमारा चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, अगर हमारा चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को उत्पन्न करेगा, अगर हमारा चार्ज एक्सीलरेशन की अवस्था में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर मैं फ्लो ऑफ करंट की बात करूं तो सॉलिड में जो करंट फ्लो होती है, जो सॉलिड में जो करंट फ्लो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और जो लिक्विड में करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के कारण होती है, और गैस में जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के कारण होती है। चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के तीसरे क्वेश्चन पर। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कंडक्टर का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण है जो कि करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है वही क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर रावा रो एल ओवर ए। इसका जो मात्रक है वो होता है ओम। रो क्या है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। एल क्या है, किसी चालक की लंबाई है। ए क्या है, किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अच्छा, रेजिस्टेंस का एक काम और है, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात कर दूं, ये पदार्थ का गुण है जो कि डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। अगर रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। इसी तरह हम चलते हैं रिलक्टेंस पर। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज करता है। जैसे ही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, इसी तरह रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज करता है। इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर टन पर वेवर होती है। इसका फॉर्मूला जो होता है एस 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 और आवर एन आई ओपन फाइव। ठीक है, अच्छा, यह मैग्नेटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये भी रिलक्टेंस का काम क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी को कंज्यूम करना। इसी तरह हम चलते हैं कंडक्टेंस पर। कंडक्टेंस चालक का वह गुण है जो करंट को आसानी से फ्लो होने में मदद करता है, जिसकी वजह से चालक में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होती है, हाँ, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स होती है, या सीमेन या म्यो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। इसी तरह चलते हैं इंडक्टेंस पर। इंडक्टेंस क्या करता है, ये करंट के चेंज होने का अपोज करता है। इंडक्टेंस क्या करता है,
करंट के चेंज होने का अपोजिट। इसकी यूनिट होती है हेनरी होती है। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। कौन? इंडक्टेंस। अच्छा जो एनर्जी स्टोर करता है इसका जो फॉर्मूला है यू बराबर 1/2 LI2। ठीक है, LI2। इसी तरह कैपेसिटेंस भी होता होगा। जो कैपेसिटेंस जो होता है यह वोल्टेज की चेंज होने का अपोज करता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की फैराड होती है। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इसका जो फॉर्मूला होता है यू बराबर 1/2 CV² या 1/2 Q² / C। हेलो, अब चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज की चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर। सिल्वर हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं सबसे बेस्ट है तुम्हारा सिल्वर, फिर उसके बाद है कॉपर, फिर उसके बाद AuM सोना, फिर उसके बाद है एल्युमिनियम। ठीक है, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 29 होते हैं। अगर मैं किसी परमाणु की बात करूं उसमें परमाणु के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या हमारे परमाणु के अंदर बराबर होती है। तो मैं अगर कॉपर के परमाणु की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 29। अगर मैं इसकी रेजिस्टिविटी की बात करूं 1.7 × 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। लेकिन अगर हम इसी कॉपर को अगर मैं 20 °C पर रखूं तो इसकी थोड़ी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है 1.77 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का वो होता है 1084 °C। पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी तनन सामर्थ्य होती है 8.15 से लेकर 4.72 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं कॉपर की डेंसिटी की बात करूं तो कॉपर की डेंसिटी होती है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो अल्फा होता है आरटीसी, इसका जो कॉपर का आरटीसी होता है 0.0039। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो 13 और इसकी रेजिस्टिविटी होती है 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। डेंसिटी होती है 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट होता है 655। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है किसी धातु का वह तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर तापमान क्या होता है पिघलने लगता है। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई धातु पिघलने लगता है तो वही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं 655 °C होता है। इसकी तनन सामर्थ्य होती है 0.97 से लेकर 1.57 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो अल्फा होता है 0.0035। ठीक है, इसी तरह हम चलें सिल्वर। सिल्वर में अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 47 होती है। इसकी रेजिस्टिविटी की बात करूं 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर जो कि सबसे अधिक है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं 962 °C। डेंसिटी की बात करूं 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका अल्फा जो होता है 0.0040। अगर इसी तरह हम देख रहे हैं स्टील का, स्टील की रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है 9.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर और मेल्टिंग पॉइंट 1530 °C होता है स्टील का। अगर हाँ, अगर मैं आरटीसी की बात करूं तो हमारा जो गोल्ड का जो आरटीसी होता है कॉपर या एल्युमिनियम से अधिक होता है। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन क्या कहता है, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। अगर हम पीतल की बात करें तो पीतल हमारा एक पीतल और फॉस्फर ब्रॉन्ज लो रेजिस्टिविटी कॉपर एलॉय है। लो रेजिस्टिविटी इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है, तो पीतल जो हमारा जो मिश्र धातु है ये कॉपर और जिंक का बना होता है। किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक। कॉपर इसमें 60% होता है, जिंक 40% होता है। तो पीतल का काम क्या आता है, देखो पीतल का काम होता है टर्मिनल बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टर्मिनल बनाने में और होल्डर बनाने में।
ठीक है। इसी तरह फॉस्फर ब्रॉन्ज की बात करें, इसमें कॉपर होता है 90% और टिन SN होता है 10%। फॉस्फर ब्रॉन्ज का काम होता है स्प्रिंग बनाने में। पीतल और फॉस्फर ब्रॉन्ज दोनों ही लो रेस्टिविटी कॉपर अलॉय है। कौन से? लो रेस्टिविटी कॉपर अलॉय, ठीक है।